रामविलास वेदांती विश्व हिंदू परिषद के सन 1984 से केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। रामविलास वेदांती भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लिब्रहन आयोग की जांच में आरोपी बनाया गया था। रामविलास वेदांती ने बहुत ही गर्वपूर्वक कोबरा पोस्ट रिपोर्टर को अपने इस आंदोलन के बारे में बताया। इसलिए हमने कार सेवकों को बुला करके कहा कि तुम्हारा खाता तोड़ो, तो हमने अनाउंस किया खाता तोड़ने के लिए। उसका संचालन नहीं कर रहा था 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर मंत्र का जो संचालन कर रहा था नहीं कर रहा था। बल्कि रवानी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया ये सब रोक कर रहे थे कि भाई उतर आइए, अब आपका उत्साह हो गया, बस उतर आइए सब उतरने की बात कर रहे थे। लेकिन हम घोषणा कर रहे थे खाता तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को खाता तोड़ने के लिए बुलाया। वो ढांचा टूट गया और इस ढांचा टूटने के आरोप में भी सरकार हमको फांसी की सजा देती है तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार है, क्योंकि हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ढांचा नहीं तोड़ा। आपको आश्चर्य होगा 36 घंटे लगातार में पड़ा। रामविलास वेदांती रिपोर्टर को बाबरी मस्जिद के गिराने की घटना को याद करते हुए बताता है कि इस घटना की शुरुआत संकल्प के साथ हुई थी। यह संकल्प था बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर के निर्माण का। रामविलास वेदांती के साथ साथ सभी नेताओं ने संकल्प लिया था। इस संकल्प में अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, रितंबरा और उमा भारती भी शामिल थे। इसने कहा, मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया, और मैं जब संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। अशोक सिंघल जी जैसे कि हाँ, अशोक सिंघल जी मेरे साथ तो उन्होंने संकल्प लिया, महंत वेदना जी संकल्प लिया, सारे लोग मेरे साथ मंत्र थे। क्या संकल्प लिया थे? संकल्प लिया कि हम राम लला का भव्य मंदिर निर्माण करेंगे, और राम लला का भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए ही यहाँ पर कार्य सेवक लोग आए हुए कार्य सेवा करने के लिए, ये संकल्प कराया। आपके साथ प्रमुखता से अशोक सिंघल जी थे? अशोक सिंघल जी थे संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। अशोक सिंघल जी पता चला कि रोक रहे थे? फिर नहीं, बिल्कुल नहीं रोका अशोक सिंघल। रोकने वाले थे अडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी और लोलू मोहित जोशी, तीन लोग रुके। अशोक सिंह ने कभी नहीं रोका, बात बिल्कुल गलत। उन्होंने अशोक सिंघल जी का क्या योगदान है? क्योंकि पूरा अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल न होते तो ढांचा कैसे टूटता? 6 दिसंबर को अशोक सिंघल थे, महंत वेदनाथ जी थे। महंत वेदनाथ जी मुझको कार्य वेदांत को खूब नारा लगाओ, जबकि किरमियानंद जी रोक रहे थे। किरमियानंद जी नहीं चाहते थे ढांचा टूटे, महंत वेदनाथ जी मेरे साथ थे। किरमियानंद जी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। अशोक सिंघल वहाँ से, सुदर्शन जी नहीं हटे वहाँ से, मैं नहीं हटा, महंत वेदनाथ जी नहीं हटे वहाँ से, रितंबरा नहीं हटे, इतने लोग वहाँ से नहीं हटे। मंत्र वहाँ के सब लोग सब भगोड़े भाग गए। मन से आपका सहयोग, आप अकेले पड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ सभी लोग थे, लाखों जनता थे मेरे साथ, जनता के अलावा ऊपर जो जिसके ऊपर विश्वास करके लोग आए थे। हाँ, जिसके ऊपर विश्वास, अशोक सिंघल का विश्वास था,
सुदर्शन जी का विश्वास था, विशंभरा का विश्वास था, महंत वैद्यनाथ जी का विश्वास था। रामविलास वेदांती ने रिपोर्टर को बताया कि बाबरी मस्जिद को गिराने में अशोक सिंघल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके अनुसार अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल ना होते तो ढांचा कैसे टूटता। वेदांती ने रिपोर्टर को यह भी बताया कि बाबरी विध्वंस के समय बहुत सारे नेता मंच से भाग गए थे। अशोक सिंघल, आरएसएस के प्रमुख के एस सुदर्शन, महंत अवैधनाथ और रितंबरा आखिरी तक मंच पर टिके रहे। सब लोगों ने कहा कि आप वेदांती जी जाइए, और जैसे महादेव जी थे, महादेवनाथ जी थे, गोपालदास जी थे, शंकराचार्य जी थे, सारे लोगों ने कहा वेदांती जी आप नहीं संकल्प कराइए। जैसे मैं चला समझे ना संकल्प कराने के लिए, और मंच पर पहुंच के जैसे संकल्प कराना शुरू किया, उसे ढांचा टूटना शुरू किया। यही जगह है जहाँ ढांचा टूटने का निर्णय हुआ, यही हिंदू धाम है, यहाँ बिना कटिया रहते थे। इसी हिंदू धाम में निर्णय हुआ कि ढांचा टूटेगा, ढांचा तोड़ा जाएगा, ये प्रस्ताव मैं लाया। कौन कौन प्रस्ताव में और कौन कौन? सभी लोग थे, इसमें विदम्बरा थी और अशोक सिंघल थे, आचार्य गिरिराज चोर थे, स्वामी रामदेव जी थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, विनय कटियार थे, सभी लोग थे। मीटिंग थी, किस तारीख को हुई होगी मीटिंग? थी 5 तारीख, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर नहीं? बीजेपी कोई था ही, बड़ा छोटा कोई नहीं था। विनय कटियार का? विनय कटियार की मीटिंग थी, जिसमें परिषद में जो लोग थे वो थे, वो संत लोग थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य किशोर जी थे, मैं था, अशोक सिंघल थे, मोरोपम पिंगले थे, सारे लोग थे। आपके अलावा और किसी का योग? स्वामी रामदेव जी थे और संत लोग थे, स्वामी परमानंद जी थे, सारे लोग। मतलब बाकी लोगों का अगर आपके अलावा, संत समाज के अलावा किसी को योगदान देना हो इस कार्य के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को दिया जाएगा या आरएसएस को दिया जाएगा? नहीं, नो, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, इसका सारा श्रेय अशोक सिंघल का। अच्छा, पूरे समय यही ठहरे थे मेरे साथ, मेरे यहाँ तक थे। अच्छा, महंत अवैधनाथ जी पूरे समय थे, कभी चले नहीं, जब तक ढांचा टूटा तब तक अपनी आंखों से देखते रहे, हमको बड़ा डंडा लेकर खोदते रहे, वेदांती और तेज बोलो और तेज बोलो। महंत अवैधनाथ नहीं थे, बल्कि किन्मयानंद भाग गए, मतलब दो खेमे बन गए थे। कोई खेमा नहीं था, खेमा कोई नहीं था, एक ही खेमा था, ढांचा तोड़ने वाला खेमा। जो नहीं चाहते थे ढांचा टूटा, वो उतर के भाग गए। साधु थे, सैकड़ों साधु महात्मा थे। वेदांती के अनुसार बाबरी ढांचे को गिराने में अगर सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो वो है विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का। इनकी माने तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को इसका सारा श्रेय जाएगा। आगे रामविलास वेदांती कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के आशीष को उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पर 6 दिसंबर से पहले की रात को गुप्त बैठक हुई थी। उस जगह का नाम था हिंदू धाम। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहां पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहां पर मंदिर बनाएंगे। एक ही मीटिंग हुई और मीटिंग तो बहुत हुई, रोज मीटिंग होती थी। ढांचा तोड़ने की मीटिंग 5 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे ढांचा गिराने के लिए उनका, और वो सब यहाँ बैठे थे। मतलब ये इतनी गुप्त योजना थी, किसी को जानकारी नहीं मिली? नहीं, किसी को पता ही नहीं। बैठक गुप्त बैठक किसी को बताई जाती है? तो बैठक में किस टाइप का और भी चर्चाएं होती होंगी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई? जो जिस विषय की बैठक होती उसी विषय की चर्चा होती, उसका एजेंडा होता है। एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, ढांचा तोड़ा जाए कि न तोड़ा जाए, इसी विषय का। पिंगले जी थे उस समय? पिंगले जी
और हमारी इस प्रस्ताव पर महाकवि बना नहीं समझ सकते। उसके बाद फिर कोई सिंगल गया, मेरे पंक्ति में आचार्य विवाह दो होते आचार्य धर्म होने सारे लोगों पर चल सकते ग्रांति की प्रारंभ तो ठीक। छह दिसंबर की घटना से पहले जो गुप्त बैठक बुलाई गई उसका एक ही मुद्दा था, क्या बाबरी मस्जिद को गिराया जाए। वेदांती ने सीधे शब्दों में कहा एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, कि ढांचा तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए इसी विषय पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या आंदोलन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी क्यों वो आज पीछे हट रहे हैं। खटक के जानबूझ के या मतलब डर की वजह से? नहीं, जो भी स्थिति हो लेकिन वहाँ पर से वो हट गए, इसलिए खतरा हो सकता है, जनता काफी अक्रोश था और इसलिए वो धीरे से जो है रन चला। हमको इन सब लोगों ने भेजा कि आप जाके संकल्प करें, संकल्प कागज बना हुआ था, मैं उस संकल्प के कागज को ले गया। क्या लिखा था कागज में? संकल्प में कागज लिखा था आज दिनांक 6 दिसंबर को हम सभी राम भक्त राम लला के प्रांगण में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ पर खंडहर है उस जगह भव्य मंदिर बनाने के लिए इस राम जन्मभूमि के मंदिर के खंडहर को हटाना आवश्यक है, इसलिए इसको हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, इसका संकल्प हम लोग राम लला के सोमन उठाकर करते हैं। इस संकल्प किसने तैयार किया था? इसको तैयार करने वाले में से थे महंत वेदनाथ जी। हम चिट्ठी पत्री कुछ होगी संकल्प टाइप का जो उस समय तैयार हुई थी? हाँ वो सब कहाँ है, कुछ मिल जाए चित्र वगैरह? नहीं, कुछ नहीं मिला है, तो हमारे पास ही, लेकिन हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा कहाँ है क्या, तो सब मेरे पास ही। अच्छा, हमने संकल्प बनाया तो मेरे पास रखा था, कभी लेने आए तो मिल जाएगा? नहीं, मुश्किल है बहुत, CBI के उससे उसके नाते कुछ हम लोगों ने ऊपर लोग मिलकर कुछ बता दिया गया काम है। अच्छा, कोई अच्छा अशोक सिंगल जी से मुलाकात हमने की नहीं, क्यों अगर ऐसे ही मुलाकात करें और वो कुछ उसमें जानकारी ना दें तो उसका कोई अर्थ? ये तो उनकी बात से जानकारी देते हैं, नहीं देते हैं। अच्छा। लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बताऊँ, लेकिन यहाँ हमने कामयाब को बहुत ऐसे कामयाब थे जिसको CBI के डर के मारे हमको विश्व प्रश्न का छोटा दिया और मैंने छोटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं चिट्ठी पत्री में, मतलब किसके लेटर हेड है वो? सब मेरे पास का पूरा विश्व हिंदू परिषद का लेटर हेड प्रस्ताव था ना, इसमें विश्व प्रस्ताव था जिसमें करके हस्ताक्षर थे तो हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। रामविलास वेदांती ने रिपोर्टर से आगे बात करते हुए कहा कि CBI के डर से सभी दस्तावेज और घोषणा पत्रों को नष्ट कर दिया गया था, बहुत ऐसे कागजात थे जिसको CBI से डर के मारे हमको विहिप ने कहा इसको हटा दीजिए, तो मैंने उसको हटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। वेदांती ने यहाँ तक भी बताया कि बाबरी विध्वंस को गिराने की रूपरेखा अशोक सिंघल, मोरपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर और महंत अवैधनाथ ने तैयार की थी। तो ये टोटल व्यूह रचना किसकी थी माने रहा है, मतलब अशोक सिंघल, मोरपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, तीन ग्रुप जिनके मन में शुरुआत से था कि ये ढांचा ढाया जाएगा। मैं सारा सभी लोग मेरे यहाँ से कह रहे थे, सब मेरे पास ही रहते थे, हमारे बच्चे जो मंदिर में हुए हैं दो जगह सारा वो सुंदर करके दिख रहा था। सन 1992 अयोध्या आंदोलन में रामविलास वेदांती की भूमिका को लेकर कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने दोबारा मुलाकात की। पिछली बार की तरह वेदांती इस बार भी बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी घटनाओं की कड़ियां खोलते नजर आए। रामविलास वेदांती के अनुसार इस सब की शुरुआत रामटेक में लिए गए संकल्प से हुई थी। खुद सुनिए, ये रामटेक पर संतों की बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें संतों ने संकल्प लिया कि मंदिर का निर्माण करेंगे। एक बार फाइनली पूरा
गेट पर संतों की बहुत बड़ी सभा होती है, उसमें संतों ने संकल्प किया, जैसे राम ने संकल्प किया था, हम भी सभी संतों के साथ और राम भक्तों के साथ संकल्प रहे कि मंदिर का निर्माण करें। इसके बाद फिर एक बहुत जनसभा हुई नागपुर रेशम बाग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय के ग्राउंड में, जो ग्राउंड बना हुआ जहाँ पर अभी होता है आरएसएस की ट्रेनिंग जी, वहीं पर बहुत बड़ी सभा। वहाँ बहुत बड़ी सभा के बाद फिर हम लोग अयोध्या आए, फिर ये कार्य बंद थी और इसके बाद 6 दिसंबर तय किया। अच्छा, तो उसमें जो नागपुर में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग थे? सभी लोग थे, मित्रमाल दास जी थे, परमन जी थे, रविन्द्रनाथ जी थे, कांची शाम से शुक्राचार्य थे, जी थे जी। और आरएसएस की तरफ से ये तो आरएसएस की तरफ से चालक थे, बाला साहब देवरस थे, ऋतु मैया थे, सुदर्शन जी थे और ये मोहन भागवत जी थे, तो इसमें तरफ चालक जी। उसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग मंदिर बनाने के लिए संकल्प है और हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। और इसके बाद सन 92 में 6 दिसंबर 92 की तिथि घोषित हुई दिल्ली में और उसकी बैठक फिर अयोध्या इसी हिंदू धाम में हुई, जिसमें अशोक सिंघल जी, आचार्य विराज किशोर जी, मोरोपंत पिंगले महंत तवेदनाथ, मित्रमाल दास, परमानंद जी, जैन सरस्वती शंकराचार्य, पत्रिकाशन के शंकराचार्य, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य विराज किशोर थे, मैं था, अशोक सिंह जी था, महाराज जी थे, पंडित गोपाल दास जी थे, परमन जी थे, विनय कटियार थे, मोरोपन सिंगले ने बताई दिया था, मोरोपन इन सारे लोगों ने इसी हिंदू धाम बैठ कर निर्णय लिया 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण की कार्य सेवा करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस खंडहर को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है उसको तोड़ेंगे, लेकिन जन सामान्य को यह नहीं बताया गया था ढांचा तोड़ने का भी कष्ट मना। रामविलास वेदांती रिपोर्टर को आगे बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का विचार कहां से आया। तारीख थी 5 दिसंबर 1992। रात को एक गुप्त बैठक बुलाई गई जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय तुरंत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक पहुंचाई गई। सुनिए रामविलास वेदांती का यह जबरदस्त खुलासा। बड़े लीडरों में कोई बड़े लीडर में बैठे में कोई बैठक थी धर्माचारी में बैठक थी कुछ बड़े लीडर कोई हो सकते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को 5 दिसंबर की रात को ही कल्याण सिंह के पास समाचार भेज दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ढांचा भी तोड़ दिया जाए। आपको क्या भूमिका ग्रहण करना है उस पर विचार कर और 6 दिसंबर को
जब मैं संकल्प कराने के लिए संकल्प पत्र लेकर के मंच पर पहुंचा, मैं ही संकल्प कराने गया कार सेवा का संकल्प पत्र लेकर के मैं मंच पर पहुंचा, जा रहा था उसी समय अटैक हो गया, कार सेवा में अटैक कर ढांचा। तो ढांचा जब टूटना शुरू हो गया तो उसी समय उन्होंने मनोज जोशी और विजय राजेश अडवाणी ये भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग मंच पर आ गए। और इन लोगों ने मंच से कहा कि आप लोग ढांचा के नीचे उतर आइए, ढांचा मत तोड़िए। लेकिन कार्यसेवकों ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन मैं ढांचा तोड़वाने का संचालन कर रहा, मंच से मैं कह रहा था राम राम सत्य है बावरी ढांचा था कि मैंने कथन कराया। उसी समय मेरा माइक छीनकर विकम्भरा और उमा भारती इन लोगों ने भी ये भी नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा। वेदांती के रहस्य उद्घाटन से पता चलता है कि कल्याण सिंह को 5 दिसंबर को ही यह पता था कि अगले दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दिया जाएगा। आगे वेदांती बताते हैं कि जब 6 दिसंबर को मस्जिद गिराना शुरू हुआ उसी समय उमा भारती और रितंबरा मंच पर आई और वेदांती से माइक लेकर कार सेवकों को मस्जिद गिराने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इस बात को हम वेदांती से ही जानते हैं। मैं ढांचा तुड़वाने का संचालन कर रहा था मंच से, मैं कह रहा था राम नाम सत्य है बाबरी ढांचा ध्वस्त है, ये मैंने करवाया। उसी समय मेरा माइक छीन कर रितंबरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा था। रामविलास वेदांती ने हमें यह भी बताया कि जब मस्जिद को गिराया जा रहा था तो उस समय कुछ लोग जहां इस बात का समर्थन कर रहे थे, वहीं ऐसे भी लोग थे जो मस्जिद गिराने के विरोध में थे। हमारे कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि भाषा टूटे, उसे भाजपा विरोध है ना, लेकिन संघ और विसंघ परिषद और धर्माचार्य उनमें सबसे ज्यादा मैं चाहता था, आचार्य धर्मेंद्र चाहते थे, आचार्य गिरिराज किशोर चाहते थे और महंत अवेदना चाहते थे कि भाषा टूटे, समझे ना। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन विरोधी थे, कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो नहीं कह रहे थे कि ढांचा का तोड़ा जाए, भाजपा का कहना था कि ढांचा टूट जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाए, इसलिए ढांचा का तोड़ा जाए। और इसीलिए जब ढांचा टूटना शुरू हुआ, ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद अडवाणी जी, जोशी जी, विजया जी, सिंधिया जी और उमा भारती जी, ये सारे लोग यहीं थे, जानकी मानवर को रोका गया, वो सब ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद मंच पर पहुंचे और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया अपने लोग से उनको कि ढांचा न तोड़ा जाए, लोग उतार आए, लेकिन कौन किसकी बात मानता। तो नरसिंहा राव से सुबह 6 बजे मेरी बात, 6 बजे सवेरे नरसिंहा राव का फोन, क्योंकि ढांचा टूटने से पहले 15 दिन पहले नरसिंहा राव ने उसको बस और कहा वेदांती जी क्या होगा फिर ढांचा। तो सुबह 6 बजे जब फोन आया तो कहा क्या निर्णय लिया तो उनके ढांचा, तो नरसिंहा राव ने कहा कि टूट जाना ठीक होगा और इसके बाद नरसिंहा राव का हमको फोन करने का मौका नहीं मिला, उसने कार्ड लेते और मोबाइल तो था नहीं,
मैं रात को करीब 1 बजे आया, सब समतल करा के सारी कुछ करा के हमने 1 बजे किया। जब मैं यहाँ टेलीफोन पर आया मंदिर में, मंदिर पर से तब वहां से फोन किया नरसिंह राव, सब पता चल गया था सब कुछ। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा क्या हुआ, उनका राम अलग स्थापना कर सब पूजा पाठ कर रहा था अच्छी तरह से। नरसिंह राव को पूरी जानकारी थी रात को 1 बजे, दूसरे दिन मतलब 7 तारीख, 6 तारीख की रात। हाँ 6 का मतलब 1 बजे दिया तो 7 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई। और 1 बजे के बाद लगभग 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया। रामविलास वेदांती के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जानकारी थी। वेदांती के अनुसार नरसिम्हा राव को पूरी जानकारी रात को 1 बजे दे दी गई थी। आगे वेदांती पूरे अयोध्या आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका के बारे में बताते हैं। लास्ट में केवल एक ही मीटिंग थी या और भी नहीं? अरे हजारों मीटिंग हो गई, हजारों। कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ आरएसएस मुख्य थे। मंदिर मतलब जो ये मुख्य आरएसएस मंदिर बनाने का मुख्य गुरु गोवर्धन ने भी सुंदरगढ़ से स्थापना किया था, इसी बीच इसकी अगुवाई किया तो खरीदा गया एक दिन का। देखो कुछ तो ऐसा था कि हमारा मंदिर निर्माण चल रहा था अच्छे से, हमारे पास काफी सामान जैसे सब्बल है, परुमार है, तगाड़ी है, ये तो मैं अपने और कुछ सामान खरीद और खरीदा क्या, कुछ ठेकेदार लोग थे वहाँ सामान रखा हुआ था तो वहाँ से खा लिया। तो मंदिर बन जाएगा ये मानना है हम लोगों का, मानना अशोक सिंघल का कहना। रामविलास वेदांती के अनुसार धर्मगुरु पहले से ही बाबरी मस्जिद को गिराने पर विचार कर रहे थे। इसके लिए मस्जिद को गिराने में काम आने वाले हथियारों को भी मंगा लिया गया था, जबकि बाकी के इंतजाम के लिए ठेकेदारों को बोल दिया गया और उन्हें उस बड़े दिन के लिए सुरक्षित भी रखा गया। कुछ सामान खरीदा, खरीदा क्या, कुछ ठेकेदार लोग थे वहाँ सामान रखा हुआ था तो वहाँ से उठा लिया था। बातचीत के अंत में वेदांती ने हमें एक और बात बताई। जब पुराने ढांचे को गिराया जा रहा था उस समय वेदांती दावा करते हैं कि वो प्राचीन अवशेषों को इकट्ठा कर रहे थे। इस बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर मंदिर नहीं बना सकते कभी। आपने कुछ लिया उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में? देखिए ऐसा है कि इसको बता देंगे तो सबका छापा पड़ जाएगा। नहीं अभी तो हम नहीं कहीं बता रहे, आप ऐसे ही बता सकते हैं। हमने वहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिसका संग्रह किया है और ऐसी जगह पर रखा हूँ कि जब आवश्यकता पड़ेगी मंदिर निर्माण करने तो उसको। अभी तो पूरा आंदोलन रुक गया है और मतलब मंदिर का जो हुआ था मतलब शिल्प तराशा जा रहा था, मंदिर बनाया जा रहा था, वो भी काम अभी रुका हुआ है। आपने देखा होगा तो चालू था, अब चालू हो गया होगा, पिछली बार तो चालू था। अच्छा तो कुछ खास चीज जो मिली हो? अब देखिए ऐसा है कि मंदिर के मलबे से बहुत ऐसे सामान मिले हैं, बड़े सामान जो वहाँ पर रामकथा प्रमुख के संग्रहालय नहीं, संग्रहालय में तो जैसे मीर बाकी का पत्थर था उसका तो कोई मतलब नहीं, नहीं और भी बहुत सामान। अच्छा जैसे जैसे पत्थर का चक्र मिला है। अच्छा जैसे हिंदू धर्म का लगता हो कि पुरातन महत्व की चीजें हैं कुछ आपके पास यहाँ हो तो आप दिखा सकते हैं? कुछ ऐसे ही बता दीजिए कि क्या हो, कोई मूर्ति वगैरह? नहीं नहीं मूर्ति बहुत मैंने बहुत कुछ मिला है।
पैसा मिले कुर्सी मिले।